जोर से बोलो ना बच्चों, कितना? 550 लाख करोड़ का बता रहे हैं। ये बच्चे याद करके जाएंगे, मैंने इसलिए इनको खड़ा किया है। ये कितना हो गया दोनों? 950 लाख करोड़ और 550 लाख करोड़ दोनों को जोड़ कर दो, कितना हो गया? 1500 लाख करोड़। कितना हो गया? 1500 लाख करोड़। और 16 करोड़ पे कितना होता है? 16 करोड़ पे इतना होता है कि पूरे हिंदुस्तान को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, पूरी सड़कों को, मकानों को, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हमारे रेलवे, हमारा एयरपोर्ट, सब कुछ नए खड़े किए जा सकते हैं। 16 करोड़, 1500 लाख करोड़ में हिंदुस्तान को 15 बार बनाया जा सकता है। इतना तो लोहा और कोयला है, बाकी पेट्रोलियम है, हीरा है, सोना है, चांदी है। 89 मिनरल्स है अपने देश में। बच्चों कितने मिनरल्स है बोलो? 89। बैठ जाओ। एक बार इन बच्चों के लिए मेरा बहुत 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 अभिनंदन, कि छोटे छोटे बच्चे आ गए तो हमारी फौज बहुत मजबूत है। भाई बहनों ये सब 89 मिनरल्स का मैंने कुल वैल्यू कितना बताया? अब याद रहेगा कितना बताया था बोलो? अरे बड़े वाले बच्चे बोलो, 10 लाख करोड़ नहीं, 10,000 लाख करोड़। अरे 1500 लाख करोड़ तो इसका ही था, लोहा कोयले का ही, बाकी भी तो रहे हो, हीरा है, सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, पेट्रोल है, गैसेज है, नीचे भरा पड़ा है संपत्ति। ये इतना बड़ा ताकतवर भारत है, ये भारत हम इन बेईमान लोगों को सौंप देते हैं। ये देश कोई छोटी चीज नहीं है, ऐसे किसी को भी सौंप दो। अरे अपने अपने घर में फैक्ट्री हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, तो किसको बैठाते आप वहां जो उसको ठीक से चला पाए? देश उन लोगों के हाथों में सौंपो जो देश को ठीक से चला पाए। चलो भाई ये पढ़े, अपने आप को भी बताना है, अपने आप को भी बचाना है, देश को भी बचाना है। जो लूटा सो लूटा, आगे से लूटने से बचाना है। इसके सारे रास्ते मैं कई बार बता चुका हूं, आज उनको नहीं दोहरा रहा हूं। कैसे देश बचेगा? के साथ बाह्य प्राणायाम करना, भीतर से शक्ति मिलेगी, अपनी शक्ति को बढ़ाना, देश की भी शक्ति को बढ़ाना। मैं वही कह रहा था, योग कराते कराते आपसे बहुत अच्छे किया है। बाहर छोड़ दिया, बाहर रोक दिया, पेट को, पेट को अंदर की तरह हिला छोड़ा। देखो ऐसे यह हो गया बाह्य प्राणायाम। ऊंचाई घरे और थरड़ के लिए बहुत जरूरी। गले को टाइट करके सांस को अंदर भरो। Mm-hmm.
गले को टाइट करके सांस को अंदर भरना और राइट नस्ल को बंद करके नर से बाहर छोड़ना। इसको कहते हैं अनुलोम उज्जाई, गले और थायराइड के लिए। फिर अनुलोम विलोम करना है। चलो 5 मिनट लगातार करना, आंखें बंद करके करना। स्वयं का रूपांतरण मूलाधार से सस्रार तक हमारी अंतः शक्ति अंतः प्रज्ञा जगेगी। रिप्रोडक्टिव ऑक्स क्रोटोडाजस स्केलेटन सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी नर्वस और कॉन सिस्टम एकदम हेल्दी हो जाएगी। अनुलोम विलोम करो। मैंने कहा था खुद को ताकतवर बनाना है, देश को भी ताकतवर बनाना है, खुद को भी रोग मुक्त रखना है, कमजोर नहीं रहना, बीमार नहीं रहना। और जो भी कमजोर है, बीमार है, गरीब है, रोगी है, उनको भी निरोगी बनाना, खुद योग करना औरों को कराना। हर गली मोहल्ला गांव में योग की कक्षा लगनी चाहिए, पूरा भारत योगमय बने, स्वस्थ बने, संस्कारवान बने, वैभवशाली बने। हम सब ऋषियों की संतान, योगियों की संतान है। हम सब आर्य पुत्र, ऋषि पुत्र, ईश्वर पुत्र, भगवान खुदा अल्लाह गौर ऑलमाइटी, वह अकाल पुरुष परमात्मा उसकी संतान है। आओ आओ अनुलोम विलोम प्रणाम करो। रोज करना है, रोज करना है। इसे भाई से लिया, भाई से छोड़ दिया, कर लो, रोकना नहीं किसी को। अनुलोम विलोम प्रणाम करना, खुद को रूपांतरित करना, मूलाधार से सस्रार तक अंत शक्ति जगेगी, अंत प्रज्ञा जगेगी, अतिंद्रिय सुख, अतिंद्रिय ज्ञान, अतिंद्रिय शक्तियां मिलेगी, अतिंद्रिय आनंद मिलेगा। मैं कह रहा था सब रोग अंदर है, उनका समाधान भी अंदर है, शक्ति भी अंदर है, अशक्ति कमजोरी भी अंदर है। योग के करने से अच्छी शक्तियां बढ़ने लगेंगी। भीतर ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, अंधेरा भी है, प्रकाश भी है, शैतानी शक्तियां हैं, ईश्वरीय शक्तियां भी भीतर ही है। योग के करने से ईश्वरीय शक्तियां बढ़ेगी, योग करने से भीतर का प्रकाश बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, भीतर से आरोग्य बढ़ेगा। योग के करने से भीतर का सुख मिलेगा, शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। अनुलोम विलोम करो, आंखें बंद करके करना, भीतर से दृष्टि मिलेगी। ये देह देवालय शिवालय बनेगा, रोगालय हो चुका है, तुम शिव बनोगे। और भगवान ने बिना किसी पक्षपात के जैसी आत्मा भगवान राम कृष्ण बुद्ध महावीर को दी थी, जैसी आत्मा गुरुदेव शंकर देव माधव देव जी को दी थी, वैसी हमें भी भगवान ने दी है। तुम वही हो, तत्वमसि श्वेत केतु प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवो हम शिवो हम। अनुलोम विलोम करो, ऐसे रोज करना, करो करो, आंखें बंद करके करो, 5 मिनट तक लगातार करो। आंखें बंद करो, आंखें बंद करके अब एक प्रार्थना के साथ आपको प्रणाम कराता हूं, सबको करना है, फिर इसके बाद ध्यान करवा देंगे। आज का कार्यक्रम इसी के साथ पूरा होगा। करो अनुलोम विलोम, कर लो, कर लो, कर लो, पूरा करो। मैंने कहा हमें अपने आप को भी बचाना, अपने वतन की भी हिफाजत करनी है, हम इस देश के नागरिकों को भी शक्तिशाली बनाना है और देश को आर्थिक दृष्टि से भी शक्तिशाली बनाना है। और पूरे इस करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम को, इस करप्शन को और ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए करीब 90% जो देश की वो लोग जो राजनीति में, उनको बदलना पड़ेगा, वहां पर भी रूपांतरण करना पड़ेगा अपने रूपांतरण के साथ। और देश दो तरह से लूटता है, एक कुछ भ्रष्ट बेईमान चोर और गद्दार लोग देश का धन लूट करके विदेशी बैंकों में जमा कर देते हैं, और हम विदेशी कंपनियों के वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उससे भी देश लूटता है। आज से संकल्प लेके जाना, किसी भी विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। अनुलोम विलोम प्रणाम करते रहो, आज आपको बताया था। अब तो खुद देश के लोगों को जागना पड़ेगा और खुद को और देश को बदलने को आगे आना पड़ेगा। अनुलोम विलोम प्रणाम करो। मां मांग रही है महाबलिदान, सो जागो, जागो सोने वालों, उत्तिष्ठता जागृत बरात प्रवरान ने बोध। आंखें बंद करके 5 मिनट लगातार कर लेना। आज का पहले 5 मिनट मैंने करा दिया था आपको अनुलोम विलोम, अब ये लास्ट होगा। भस्त्रिका कपाल भाति बाह्य प्रणाम उज्जाई अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्रणव। प्रणाम करते हुए अपने जीवन को संवारना है और इस जगत को भी संवारना है, अपने भीतर भी, अपने जीवन में राम राज्य लाना है, बाहर भी स्वर्ग का, समृद्धि का साम्राज्य लाना है। अनुलोम विलोम करते हुए आओ, आपको अंतर जगत में ले चलते हैं, आपको भीतर तक जगाते हैं। यो जागारह तम ऋचः कामयन्ते, यो जागारह तम सामानयन्ते,
यो जागारः तमयम् सोम आह तवाहमस्मि सखे नौका उत्तिष्ठता जागृता प्राप्त वरा निबोधता उत्तिष्ठता जागृता प्राप्त वरा निबोधता क्षरस्य धारा रिष्टा दुरत्या दुर्गम पथ सत कवयो वदंती। अनुलोम विलोम प्रणायाम मैं भी आपके साथ करता हूं, आओ मिलके करते हैं। आओ पूरी तरह से जागृत होकर के जाइए, अपने हाथ को और अपने वतन को बचाइए। मांग रही है मां बलिदान, ओ हो 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 जागो सुनने वालों धनियश गौरव सुनने वालों साहस को कर सुनने वालों करो प्राप्ति यश गौरव गान मां मांग रही है मां बलिदान मां मांग रही है मां बलिदान ओ शिवाजी जैसी दम थे प्रयम कर गण हो ऋषि के करो योग गंगा में स्नान मां मांग रही है मां बलिदान 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 से सूर्य स्वर से रात इंद्रा से सुमना से प्राण का घर्षण मंथन होगा मूलाधार से शस्त्रार तक यह देह दिवालय शिवालय बनेगा। बाहर और भीतर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार होगा, मानव महामानव बनेगा। तुम भगवान के ही हो, भगवान के घर से आए हो, भगवान के घर में ही रह रहे हो, भगवान के ये ही जाने वाले हो, भगवान के सिवा और यह है क्या। आओ उस भगवत्ता को प्राप्त करो। परदेशी चीज को त्यागो परदेशी चीज को त्यागो स्वदेशी को ही अपनाओ हर परदेशी चीज को त्यागो स्वदेशी को ही अपनाओ कहती है आज भारत जागो पूरण में अब जीवन दान मां मांग रही है मां